कई सारी वीडियो के नीचे एक बहुत कॉमन कमेंट आता है कि मैम हमारा वजन कितना होना चाहिए, हमारी उम्र इतनी है तो हमारा वजन कितना होना चाहिए। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप मेल हैं तो आपका वजन कितना होना चाहिए, फीमेल हैं तो आपका वजन कितना होना चाहिए। जन्म लेने से लगा के 60 साल की उम्र तक पूरा वेट चार्ट मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपका वेट कितना है और आपका कितना होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगातार मेरे चैनल पर मिलते रहती है। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आपका वजन आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है तो ये ना सिर्फ आपको देखने में ख़राब लगता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों को इमिटेशन भी देता है। हम सब जानते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल की है, बीपी की है, पीसीओडी की है, थायराइड की है, ज़्यादातर दिक्कतें तभी होती हैं जब हमारा वजन हमारी उम्र के हिसाब से ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं किस उम्र में आपका कितना वजन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जन्म के समय एक लड़के का वजन 3.3 kg और एक लड़की का वजन 3.2 kg होना सही माना जाता है। 3 से 5 महीने के लड़के का वजन 6 kg और लड़की का वजन 5.4 kg होना सही माना जाता है। इसके अलावा 6 से 8 महीने के बच्चे का वजन 7.2 kg और लड़की का वजन 6.5 kg अगर है तो इसको आप सही की कैटेगरी में रख सकते हैं। 9 से 11 महीने के लड़के का वजन 9.2 kg और लड़की का वजन 6.8 kg तक होना चाहिए। 1 साल के लड़के का वजन 10.2 kg, लड़की का वजन 9.5 kg अगर है तो इसको आप स्टैंडर्ड वेट मान सकते हैं। 2 साल के लड़के का वजन 12.3 kg और लड़की का वजन 11.8 kg होना चाहिए। 3 से 4 साल की उम्र में लड़के और लड़की दोनों का वजन अगर 14 से 16 किलो के बीच में है तो इसको आप सही वेट मान सकते हैं। 5 साल के लड़के का वजन 18.7 kg और लड़की का वजन 17.7 kg है तो ये एक सही वजन है। 7 से 8 साल के लड़के का वजन 22 से 25 किलो तक हो सकता है और लड़की का वजन 22 से 24 किलो तक हो सकता है। वहीं 9 साल के लड़के का वजन 28 kg और लड़की का वजन 26.5 kg अगर है तो इसको आप एक स्टैंडर्ड वेट मान सकते हैं। 10 से 11 साल के लड़के का वजन 31.4 kg से लगा के 32.2 kg तक हो सकता है और लड़की का वजन 30.5 से लगा के 31.7 kg तक हो सकता है। वहीं 12 से 14 साल के लड़के का वजन 32 से 38 किलो और लड़की का वजन 32 से 36 किलो तक हो सकता है। 15 से 20 साल के बच्चे का वजन 40 से 50 किलो और लड़की का वजन 45 किलो तक अगर है तो इसको आप स्टैंडर्ड वेट मान सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 21 से 30 के बीच में है तो आपका वजन 60 से 70 किलो तक हो सकता है अगर आप लड़के हैं, और अगर आप लड़की हैं तो आपका वजन 50 से 60 किलो तक हो सकता है। 31 से 40 साल की उम्र में आपका वजन 60 से 75 के बीच में होना चाहिए अगर आप लड़के हैं, और अगर आप लड़की हैं तो आपका वजन 60 से 65 किलो के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा 60 70 साल की उम्र तक अगर आप लड़के हैं तो आपका वजन 60 से 70 किलो हो सकता है, और अगर आप लड़की हैं तो आपका वजन 58 किलो से लगा के 63 किलो तक हो सकता है। पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ये आपके हाइट पर भी डिपेंड करती हैं। अगर आपकी हाइट कम होगी तो आपका वेट कम होगा, वहीं अगर आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो आपका जो वजन है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ इसको आप एक स्टैंडर्ड वेट मान सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत सिंपल तरीका है अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट पता करने का। जितना सेंटीमीटर आपकी हाइट है, मान लीजिए आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है या 165 सेंटीमीटर है, जितने भी सेंटीमीटर में आपकी हाइट है उसकी जो लास्ट के 2 डिजिट है वो आप ले लीजिए। मान लीजिए आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर से, तो आपका वेट 65 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके 2-4 किलो कम ही होना चाहिए। मान लीजिए 165 अगर आपकी हाइट है तो आपका वजन 60 से 65 किलो के बीच में होना चाहिए। इतना अगर आप अपना वेट रखते हैं तो ये आपका एक स्टैंडर्ड वेट होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका वेट कितना होना चाहिए और अभी आपका वेट कितना है। आई होप कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।